आई विल एक्सप्लेन न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर सेकेंड इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्टली आई रीड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर मीनिंग डिराइवेशन ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल. तो किस तरीके से क्या हुआ आपका मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का क्या हुआ डिराइव किया गया किस तरीके से बनाया गया उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. नेचर फीचर कैरेक्टरिटीज ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है क्या क्या फीचर होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिटीज होते हैं उसको पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट है क्या सिग्निफिकेंट है ठीक है उसको भी डिस्कस करेंगे. डेट इज़ अ प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में क्या सिग्निफिकेंस है. फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो एक मिस्टर क्या थे फयोल थे ठीक है जिन्होंने क्या किया मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल बनाए हैं उनको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से उन्होंने प्रिंसिपल बनाया और उस प्रिंसिपल में क्या क्या चीज़ें उन्होंने क्या की है एक्सप्लेन किया है. टुगेदर हम फयोल की हिस्ट्री देखेंगे किस तरीके से उन्होंने क्या किया कौन कौन सी बुक्स राइट की डेट्स उनका बर्थ कैसे हुआ वो कहाँ कहाँ वर्क करते थे एसेट्रा. फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. Taylor. तो उसके बाद एक पर्सन और हैं जो F.W. Taylor हैं जिन्होंने क्या किया साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या किया प्रिंसिपल दिया उनके प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. उनकी हिस्ट्री देखेंगे उनका बर्थ कैसे हुआ वो कहाँ कहाँ वर्क किए उन्होंने क्या बुक लिखा और डेट इज मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल क्या किए हैं डिज़ाइन किए हैं डेवलप किए उसके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे इसमें. कंपेरिजन बिटवीन द टेलर एंड फयोल्स. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में क्या करेंगे जो फयोल की जो भी प्रिंसिपल है और उसको टेलर की जो भी प्रिंसिपल है उन दोनों को ले जाके क्या कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके देखेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है. तो फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो फर्स्टली व्हाट इज़ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन सिंपल सा क्या होता है आपका रूल रेगुलेशन होता है जो क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है. उस रूल रेगुलेशन से हमको एक जनरल गाइडलाइंस मिलती है उस जनरल गाइडलाइंस से हम क्या करते हैं वर्क करते हैं तो हमारा गोल क्या होता है प्रॉपर वे में क्या होता है अचीव हो जाता है. जस्ट लाइक मैनेजमेंट में भी कुछ क्या है प्रिंसिपल होते हैं जो प्रिंसिपल को यूज़ करके क्या होता है एज अ मैनेजर या जो भी क्या करता है मैनेजमेंट का वर्क करता है वो बहुत सारे वर्क क्या करता है परफॉर्म करता है. रिफ्लेक्ट ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप. तो ये जो मैनेजमेंट होता है जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो आपका क्या होता है फंडामेंटल क्या होता है ट्रूथ होता है जो किसी ना किसी क्या है इवेंट या फिनोमिनल पर बेस होता है. ठीक है कोई इवेंट होती है तो हम उससे क्या करते हैं कोई रूल बनाते हैं ठीक है रेगुलेशन बनाते हैं और उस रूल और रेगुलेशन को बार बार क्या करते हैं अप्लाई करते हैं और सेम टाइप का रिजल्ट मिलता है. तो डेट इज़ यहाँ पर एक्सप्लेन ये किया गया कि फंडामेंटल ट्रूथ है ठीक है जो किसी भी क्या है इवेंट पर डिपेंड होती है साथ ही साथ में जो कॉज होता है और इफेक्ट में क्या होता है रिलेशनशिप होता है. कॉज मतलब क्या होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जैसा हमने थ्योरिकली थिंग दैट इज रीड किया और जब उस थ्योरी को हमने क्या क्या प्रैक्टिकली अप्लाई किया सेम टाइप का हमको रिजल्ट मिलता है तो उसी को अपन क्या करते हैं कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप. तो इस तरीके से ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है फंडामेंटल ट्रूथ है वो जो किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी इवेंट पर क्या है इवेंट के अकॉर्डिंग टू बनाया गया है और उसमें हम जैसा रीड करते हैं जैसा हम क्या क्या थ्योरिकल देखते हैं जब उसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो सेम हमको क्या मिलता है रिजल्ट मिलता है. गाइडलाइंस फॉर टेकिंग द मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन. तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो किसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है वो मैनेजर को जब मैनेजर का डेट इज मैनेजर जब अपने एक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं कई टाइप के डेट इज को डिसीजन लेने पड़ते हैं कई टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लेने पड़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है उसको क्या करता है हेल्प करता है कि वो किस तरीके से अपने वर्क को क्या करे परफॉर्म करे और साथ ही साथ टुगेदर वो किस तरीके से क्या कर सके मेजर डिसीजन ले सके. ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर. तो ये क्या होता है बहुत ही ब्रॉड और एक जनरल गाइडलाइन क्या करता है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या करता है एक राइट वे में क्या कर सकता है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू क्या कर सकता है डिसीजन ले सकता है या दूसरे वर्ड में अपन ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजर क्या करता है डिसीजन लेता है वो क्या करता है प्रिंसिपल को क्या करता है यूज़ करता है यूज़ करके उसको एक गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू वो क्या करता है थिंक करते हैं एंड देन उसके बाद वो क्या करते हैं डिसीजन लेते हैं. अलग अलग चीज़ों को हम क्या करेंगे मैनेजमेंट से क्या करते हैं कंपेयर करके देखते हैं डेट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल से क्या करते हैं कंपेयर करके देखते हैं. फर्स्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल. तो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं प्योर साइंस के भी क्या होते हैं कुछ प्रिंसिपल होते हैं उन दोनों को क्या करते हैं कंपेयर करके देखते हैं. तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है बट जो आपका जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं रिगिड रहते हैं.
मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हम क्या करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू क्या नहीं किया जाता, चेंज ही नहीं किया जाता। वो एक बार जो रूल्स है वो हर सिचुएशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि मैनेजमेंट के रूल्स क्या होते हैं, अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, चेंज करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। अब ये प्रिंसिपल और टेक्निक में अपन क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो पहला जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ये क्या कहता है, गाइडलाइन देता है। गाइडलाइन डेट इज़ वो हमको डिसीजन करने में, वर्क करने में एज अ मैनेजर क्या होता है, हमको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और साथ ही साथ टुगेदर ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू मैनेजर क्या कर सकता है, उस प्रिंसिपल को चेंज कर सकता है। बट ये जो मैनेजमेंट टेक्निक होती है वो मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। और मेथड और प्रोसीजर क्या होता है, वो पहले से क्या होता है, डिसाइडेड होता है, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, उसी को अपन मेथड या प्रोसीजर कॉल करते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए मैनेजमेंट टेक्निक को मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, तो ये क्या होता है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। टाइम के अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ये आपका जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ये गाइडलाइन है, ठीक है। और टुगेदर ये क्या होता है, एक टेक्निक होता है। उस टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने गोल को, उस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, गोल को अचीव करते हैं। जबकि वैल्यू बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन सोसाइटी, तो एक सोसाइटी का किस तरीके से इंडिविजुअली सोसाइटी में बिहेवियर है, उसको बिहेवियर को अपन क्या करते हैं, वैल्यू से डेट इज़ देख सकते हैं। इथिकल, दैट इज़ जो वैल्यू होता है वो इथिकल होता है, ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, तो मैनेजमेंट में क्या होता है, हमको गाइडलाइन और टेक्निकल होता है, जबकि वैल्यू को देखा जाए तो ये बिहेवियर इंडिविजुअल सोसाइटी का और क्या होता है, इथिकल होता है। मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, डेट इज़ क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का वर्क या मैनेजमेंट का वर्क इस तरीके से होना चाहिए कि वो वैल्यू को भी क्या करे, टुगेदर लेके क्या करे, वर्क करे।